बर्गर हो चुका है रेडी हमारा, और अब इसको ट्राई कर लेते हैं अपन। थोड़ा सा केचप और थोड़ी सी मेयोनीज। अगर आप रायपुर के आसपास रहते हैं या रायपुर में रहते हैं तो ये जगह आपको अच्छी तरह से वाकिफ होगी। ये है कटोरा तालाब और यहाँ पर है तंदूरी मोमोज सेंटर। तो तंदूरी मोमोज हम ट्राई करने वाले हैं आज, और देखते हैं भाई हमें कौन से मोमोज ट्राई करवाएंगे। भाईजान सबसे पहले तो एक बार नाम बता दीजिए अपना। भाई पिछली बार अपन ने ट्राई किए थे, आपने वेज मोमोज ट्राई करवाए थे हमको तंदूरी, अब की बार पनीर वाले ट्राई करने का मन है। तो पनीर ज्यादा बढ़िया है या फिर अचारी? पनीर भी बहुत अच्छा सर, वेज भी बहुत अच्छा है। आज तो अपन ट्राई कर चुके हैं, तो आज पनीर करवाओ, अचारी फिर कभी ट्राई करेंगे। अच्छा, और जो प्योर वेज फूड लवर्स है ना, उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है, वो ये कि यहाँ दो अलग अलग है, एक आपको ये दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको वहाँ पर तंदूरी मोमोज का एक और कार्ड दिखाई दे रहा है, जहाँ पर वेज मिला करेगा और यहाँ पर ओनली नॉन वेज। तो फिलहाल अभी दोनों कम्बाइंड है, तो यहाँ पर आज हम वेज मोमोज में पनीर मोमोज ट्राई करने वाले हैं। तंदूरी पनीर मोमोज हो गया रेडी? क्या बात है जी, तो आप आइए, इंस्टेंटली आपको मिल जाएंगे मोमोज तैयार। ये एक प्लेट है, क्या कीमत है भाई इसकी? 50 रुपीज। तो जो मोमोज फ्राई करने की बारी है, दो तरह की चटनी और एक यहाँ पर मेयोनीज है, और इस प्लेट के साथ में बहुत शानदार सा व्यू, आप इसको एंजॉय कीजिए और साथ साथ आप मोमोज फ्राई कीजिए। तो ट्राई करते हैं, हम एक पीस लेते हैं इसमें से मोमोज का। तो जो ऊपर की एक लेयर है वो अच्छी तरह से यहाँ पर बारबेक्यू हो चुकी है, और इसको ग्रीन चटनी और थोड़ी सी रेड चटनी के साथ ट्राई करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को भैया झालमुड़ी और भेलपुरी में अंतर नहीं पता रहता है, एक बार आप बता दो क्या होता है अंतर? झालमुड़ी प्योर ड्राई रहता है, सूखा, प्योर सरसों तेल से बनता है। अच्छा, मसाला और सरसों तेल को प्योर रहता है। भेलपुरी मतलब इसमें खट्टी मीठी चटनी रहता है, ये गीली बनता है। टेस्ट तो थोड़ा बहुत फर्क है, इसमें सरसों तेल का टेस्ट आएगा झालमुड़ी में, और भेल में खट्टी मीठी चटनी का टेस्ट आता है। झालमुड़ी खाने वाला भेल खाता नहीं, और भेल खाने वाला झालमुड़ी नहीं खा सकता, क्योंकि सरसों का तेल रहता है। आप भी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज से पहले क्या आपको पता था झालमुड़ी और भेलपुरी में क्या अंतर होता है? मेरे पता था नहीं। नहीं, आपको तो पता था भैया, आप बना रहे हो तो आपको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा। हम अपने व्यूअर्स से पूछ रहे हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहले आलू, उसके बाद टमाटर, प्याज, धनिया, उसके बाद उबला हुआ चना और मूंगफली। भैया मैंने तेज मिर्च बोल तो दिए, लेकिन ये रफ्तार देख लो भाई मिर्च काटने की। और अब आ गया ये अपना मुर्रा, क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया। कौन कौन से मसाले डाल रहे हो भैया ये आप? ये एक झालमुड़ी का मसाला है, एक मिक्स मसाला है।
आ गया, यही सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका, सरसों का तेल भैया। ये ही एक सबसे बड़ा अंतर है झाल मुड़ी और भेल पूरी। तो तैयार हो गई है हमारी ये झाल मुड़ी और खूबसूरत लग रही है ना ये प्लेट, एक बार जरा गौर करके देख लीजिए इसको। तो ये आ गई है झाल मुड़ी अपने पास और तो ठीक सामने है NIT कॉलेज और उसके अपोजिट लेन में आपको ये दिख जाएगा श्री राम फास्ट फूड। यहाँ पर आकर के आप इस फूड का मज़ा ले सकते हैं और ज़रा एक बार इनका मेन्यू भी देख लीजिए। तो श्री राम फास्ट फूड पर हमारे साथ में है गोविंद भाई जो कि ओनर भी हैं यहाँ के, और ये बनाएंगे हमारे लिए चिली पनीर। तो प्रिपरेशन ज़रा देख लीजिए आप। हाय हाय क्या बात है, गजब भाई गजब। बारबेक्यू वाला फ्लेवर आपको मिलने वाला है यहाँ के चिली पनीर में, बहुत शानदार। तो हमने जो ऑर्डर किया है वो किया है हाफ प्लेट चिली पनीर और ब्यूटीफुल। तो सब्जियां जो थी वो सौते कर ली गई हैं, अब उसमें आ गया है पनीर। तो भैया ड्राई रहेगा कि लिक्विड रहता है? ड्राई रहेगा, पूरा ड्राई रहेगा। अच्छा, कुछ मसाले इनके। अच्छा, कोई लिक्विड बनवाना चाहे तो वो भी बन जाता है? वो बन जाता है। उसकी क्या कॉस्टिंग है? ग्रेवी डालिएगा वो, तो थोड़ा सा इसको ग्रेवी वाला कर दीजिएगा भैया। कुछ सॉसेज इसमें डाले हैं भैया ने। तो भैया मैगी वाले तो बोलते हैं 2 मिनट लगता है उनकी मैगी बनने में, हालांकि लगता नहीं है, लेकिन यहाँ चिली पनीर खाने आएंगे ना, मात्र 2 मिनट में आपके लिए तैयार कर दिया जाएगा और इस झांसू अंदाज में। तो जी चिली पनीर अपना तैयार हो गया है और देख लीजिए खूबसूरती क्वांटिटी। सबसे पहले तो आप देखिए एकदम अच्छी क्वांटिटी है, भर के पूरा ये बोल मिला है। तो सैंडविच बॉक्स में हम इस समय आ चुके हैं और यहाँ पर जो इनके स्पेशल है ना वो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा ओनली फॉर ₹59, बर्गर 49 और वाइट सॉस पास्ता 49। जल्दी से ट्राई करते हैं सबसे पहले पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी, डोमिनोज की जो USP थी ना 49 वाला पिज़्ज़ा, डोमिनोज में तो मिलता नहीं है, लेकिन हमारे भावेश भाई लेकर के आए हैं हमारे लिए। पिज़्ज़ा सॉस सबसे पहले, उसके बाद फिर मोज़रेला चीज़। चीज़ वगैरह में कमी तो नहीं होगी भाई? नहीं बिल्कुल नहीं, भर भर के मिलता है के। मोज़रेला चीज़ डल गया है और उसके बाद ये चीज़ क्यूब आप देख रहे हैं, ये अब पूरा का पूरा आएगा इसमें। हाँ ठीक है। तो जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब आपको भावेश ने तो दे दिया था, लेकिन देख करके भी आपको मिल रहा होगा कि चीज़
कि क्वांटिटी कितनी है इसमें, कौन कौन सी टॉपिंग्स अवेलेबल हैं अपने पास पिज़्ज़ा में? कैप्सिकम है, ऑनियन है, टोमेटो है। अच्छा, और इससे ज़्यादा वाला पिज़्ज़ा भी है अपने पास? हाँ, चीज़ कॉर्न है, चीज़ बस्ट है, फार्म हाउस है, पनीर है। अच्छा, चीज़ बस्ट कितने का है? चीज़ बस्ट 70। कभी वो भी ट्राई करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस पिज़्ज़ा को ट्राई करते हैं यार। तो इससे पहले क्या था इसमें गोल्डन कॉर्न पिज़्ज़ा, और अब ये वाला पिज़्ज़ा जा रहा है अपना। वो भाई एक पिज़्ज़ा तो रेडी हो गया है और अपना वाला रेडी अभी हो रहा है। चौबीस घंटे रेडी हो गया है अपना पिज़्ज़ा और चीज़ ओवरलोडेड है यार एकदम ये। सैंडविच बॉक्स में पिज़्ज़ा, क्या बात है। क्योंकि इंतज़ार तो अब हो नहीं रहा है, जल्दी से कैचअप डाल लेते हैं इसमें। ताबड़तोड़ दिख रहा है भाई, जल्दी से इसको ट्राई करते हैं।